करौली में ओबीसी कोटे का वर्गीकरण कर 5% आरक्षण की मांग कर आंदोलन की चेतावनी दे चुके गुर्जर समाज का 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सोमवार को सरकार से वार्ता करने पहुंचा, लेकिन गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला वार्ता में शामिल नहीं हुए। सोमवार को सुबह हिंडोन सिटी स्थित कर्नल किरोड़ी बैसला के आवास पर बंद कमरे में आयोजित गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने बताया कि आरक्षण के मामले को लेकर 15 मई को बयाना के अड्डा गांव में गुर्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस दौरान भरतपुर कलेक्टर की ओर से उन्हें सरकार से वार्ता का प्रस्ताव मिला, जिस पर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। बैसला ने बताया कि वो अपना 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सरकार से वार्ता के लिए जयपुर भेज रहे हैं, जहां आज शाम को सरकार से आरक्षण के मामले पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि मंडल की सरकार से हुई वार्ता के परिणाम को 15 मई को बयाना अड्डा गाँव में आयोजित होने वाली महापंचायत में रखा जाएगा, जिसके बाद महापंचायत उस पर निर्णय लेगी। यदि महापंचायत उसे स्वीकार करती है और वो हमें भी स्वीकार होगा, महापंचायत में ही आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर 15 मई को बयाना के अड्डा गांव में महापंचायत करने जा रहे हैं। संभावना है कि वहीं से आंदोलन का आगाज कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। सरकार ने वार्ता के लिए गुर्जरों को जयपुर बुलाया है। वहीं दूसरी ओर गुर्जरों की आंदोलन की संभावना के चलते पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। महापंचायत स्थल क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। गुर्जरों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।